झारखंड के छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को यह वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि खबर नौकरी को लेकर है। गढ़वा पलामू लातेहार के लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अभी की झारखंड सरकार ने झारखंड के युवकों के लिए JSSC यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा कुछ इस तरह निर्धारित किए हैं। पहला, परीक्षा में भाषा पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और साथ में मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली भाषा को हटा दिया गया है। उर्दू, बंगला और उड़िया भाषा को रखा गया है। दूसरा, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए JSSC परीक्षा देने के लिए उन्हें 10वीं और 12वीं झारखंड से ही पास करने होंगे। यदि वे बाहर से 10th और 12th किए हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ सामान्य वर्गों के बच्चों के लिए है। आरक्षित वर्ग के लोगों को राज्य के बाहर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएँ पास करने के बाद भी परीक्षा में शामिल होने की छूट दी गई है। सरकार के आए नियम के बाद झारखंड हाईकोर्ट में रमेश हांसदा और कुशल कुमार याचिका दायर की, जिसमें पूछा गया हिंदी अथवा अंग्रेजी जैसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को क्यों हटाया गया। कई क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर उड़िया, बंगला और उर्दू को किस आधार पर रखा गया है। बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने पूछा कि भाषा के पत्र से हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटाया गया। क्या सरकार के पास हिंदी भाषियों को लेकर कोई डाटा उपलब्ध है? अदालत ने यह भी कहा कि जब आरक्षित वर्ग के लोगों को राज्य के बाहर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास करने के बाद भी नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है तो सामान्य वर्ग के लोगों को राज्य के बाहर के संस्थानों में योग्यता हासिल करने पर रोक क्यों लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षाओं की नई नियमावली पर झारखंड सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बुधवार को इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा कि आखिर लैंग्वेज पेपर से हिंदी एवं अंग्रेजी को हटाए जाने और सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक एवं इंटर पास की अनिवार्यता की शर्तें लगाए जाने का आधार क्या है। कोर्ट ने परीक्षा की नियमावली में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल कर पूरी जानकारी देने एवं इससे जुड़ी फाइलें अदालत में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट 21 दिसंबर का दिनांक दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आयोग कोई विज्ञापन निकालता है तो उसमें यह भी लिखना होगा इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति प्रभावित होगी। झारखंड सरकार द्वारा JSC में लिए गए निर्णय और हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया जवाब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। क्या झारखंड सरकार को JSSC में संशोधन करने की आवश्यकता है? खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।